सितंबर 2016, हरिकेन मैथ्यू पिछले 10 वर्षों में आया कैटेगरी 5 का फर्स्ट अटलांटिक हरिकेन है। नॉर्थन हेमिस्फीयर में आए हरिकेन की सैटेलाइट फुटेज में यह हरिकेन काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, वहीं साउथर्न हेमिस्फीयर में आने वाले हरिकेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करते हैं। आखिर ये हरिकेन अर्थ के डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट तरह से स्पिन क्यों करते हैं? उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये स्पिन ही क्यों करते हैं। इसकी वजह है कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट को समझने के लिए हमें अर्थ के मोशन को समझना होगा। अर्थ अपने एक्सेस पर लगातार वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में स्पिन कर रही है। चूंकि अर्थ स्फेरिकल है, इस वजह से अर्थ का इक्वेटर इसके पोल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा चौड़ा है। अपने एक्सेस पर स्पिन की वजह से अर्थ 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। इसी 24 आवर टाइम पीरियड में अर्थ पर मौजूद सभी ऑब्जेक्ट भी एक रोटेशन कंप्लीट कर लेते हैं, बट जो ऑब्जेक्ट पोल के पास हैं उन्हें एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, जबकि इक्वेटर पर मौजूद ऑब्जेक्ट को एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, क्योंकि इक्वेटर पर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को एक ज़्यादा बड़े रेडियस पर रोटेशन करना होता है। ऐसे में पोल पर मौजूद ऑब्जेक्ट के रोटेशन की स्पीड कम, जबकि इक्वेटर पर मौजूद ऑब्जेक्ट्स के रोटेशन की स्पीड ज़्यादा होती है। इक्वेटर अराउंड 1000 माइल्स पर आर की स्पीड से स्पिन कर रहा है। जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, वेलोसिटी लगातार घटती जाती है। इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हुए ऑब्जेक्ट्स के रोटेशन की स्पीड में यह वेरिएशन ही कोरियोलिस इफेक्ट का कारण है। इसे समझने के लिए अर्थ के रोटेशन को पोल से देखते हैं। नॉर्थ पोल से अगर अर्थ के रोटेशन को देखें तो अर्थ काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन करती हुई दिखाई देती है। मान लेते हैं कि दो ऑब्जर्वर ए और बी हैं। ऑब्जर्वर ए इक्वेटर पर रेस्ट में है और ऑब्जर्वर बी पोल के पास रेस्ट में है। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पोल से होकर गुजरती है। अर्थ के स्पिन की वजह से ये दोनों ऑब्जर्वर भी रोटेट होंगे, लेकिन चूंकि दोनों ही रेस्ट में हैं, इसलिए हमेशा ही इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पोल से होकर गुजरेगी। इसके अलावा एक बात और है कि दोनों ही ऑब्जर्वर अपने अपने स्पिन एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहे हैं और साथ ही अर्थ के सेंटर ऑफ एक्सेस से अलग अलग डिस्टेंस पर भी हैं। ऐसे में दोनों ऑब्जर्वर से एसोसिएटेड एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा, जो उनकी एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस यानी रेडियस के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है। यह एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। अगर मान लें कि ऑब्जर्वर ए के पास एक बॉल है तो उसकी रोटेशनल वेलोसिटी भी वही होगी जो ए की है। अब मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर ए बॉल को ऑब्जर्वर बी की तरफ थ्रो करता है। थ्रो करने से पहले बॉल और ऑब्जर्वर ए दोनों सेम ही वेलोसिटी से रोटेशन कर रहे हैं। जैसे ही बॉल को ऑब्जर्वर बी की ओर थ्रो करते हैं, बॉल के लिए एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस लगातार कम होती रहती है। लेकिन चूंकि स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, ऐसे में रेडियस की वैल्यू में हुई यह कमी रोटेशन की वेलोसिटी को बढ़ा देती है, ताकि स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड बना रहे। जैसे जैसे रेडियस कम होता जाता है, एंगुलर वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाती है। बॉल की एंगुलर वेलोसिटी में हुए इस इंक्रीमेंट की वजह से बॉल दोनों ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन से आगे निकल जाती है। लेकिन चूंकि ऑब्जर्वर ए की वेलोसिटी अभी भी वही है, इसलिए ऑब्जर्वर ए यह ऑब्जर्व करता है कि बॉल राइट साइड की ओर डिफ्लेक्ट हो गई है। बॉल का इस तरह अपने एक्चुअल पाथ से डिफ्लेक्ट होना ही कोरियोलिस इफेक्ट कहलाता है। बॉल के इस डिफ्लेक्शन के लिए कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है, बल्कि यह सिर्फ अर्थ के रोटेशन की वजह से डिफ्लेक्ट हुई है। इस फोर्स को कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, जो कि एक प्रकार का सूडो फोर्स है, जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं होता, बल्कि फ्रेम के रोटेशन की वजह से ऑब्जर्वर को यह अप्लाई होता हुआ अपीयर होता है। लेकिन क्या हो अगर बॉल को ऑब्जर्वर बी से ऑब्जर्वर ए की तरफ थ्रो किया जाए? जब बॉल ऑब्जर्वर बी के पास है, तब बॉल की रोटेशनल वेलोसिटी ऑब्जर्वर बी के रोटेशनल वेलोसिटी के बराबर है, जो कि ऑब्जर्वर ए के कंपैरिजन में कम है। जैसे ही बॉल को थ्रो करते हैं, बॉल की सेंटर ऑफ एक्सेस से डिस्टेंस बढ़ने लगती है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के लिए वेलोसिटी घट जाती है। जैसे जैसे बॉल एक्सेस ऑफ रोटेशन से दूर जाती जाएगी, बॉल की वेलोसिटी लगातार घटती जाएगी और बॉल दोनों ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन से पीछे रह जाएगी। ऐसे में अगेन ऑब्जर्वर को यह अपीयर होता है कि बॉल अपने एक्चुअल पाथ से राइट साइड की ओर डिफ्लेक्ट हो गई है।
इसका मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन करती है तो वह अपने एक्चुअल पाथ से राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। जब इस हेमिस्फीयर में हवाएं चलती हैं तो ये इसी इफेक्ट की वजह से अपने अपने पाथ से राइट की ओर मुड़कर एक स्पिनिंग चक्रवात बनाती है जिसे हरिकेन कहते हैं, जो कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन कर रही होती है। लेकिन साउथर्न हेमिस्फीयर में हरिकेन के स्पिन की डायरेक्शन अपोजिट होती है। इसकी वजह है कि अर्थ के रोटेशन को साउथ पोल से देखें तो यह नॉर्थ पोल के अपोजिट क्लॉकवाइज रोटेशन में दिखाई देती है, जिसकी वजह से इस हेमिस्फीयर में ऑब्जेक्ट अपने एक्चुअल पाथ से लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होते हैं और इस हेमिस्फीयर में बनने वाले हरिकेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करते रहते हैं। यही वजह है कि अर्थ के डिफरेंट लोकेशंस पर हरिकेन के स्पिन की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। अर्थ के अपने एक्सेस पर स्पिन की वजह से ऑब्जेक्ट्स पर लगने वाला कोरियोलिस फोर्स एक सूडो फोर्स है जो केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होता है जो मोशन में होते हैं। रेस्ट में रखे किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोरियोलिस फोर्स अप्लाई नहीं होता है।